साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रिडिक्शन करती हूँ सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के बारे में, और मुझे बहुत बार एबीपी न्यूज़ पे, जी बिजनेस पे, सीएनबीसी आवाज़ पे भी बुलाया जाता है फॉर माय ओपिनियन अबाउट सर्टेन इश्यूज़ फ्रॉम न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा, जिनकी अभी शादी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द लक फॉर देयर न्यू चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। और उसके बाद अगर हम बात करें उनके नंबर्स की, तो नंबर जो राघव चड्ढा का है वो 11th नवंबर 1988 है और परिणीति चोपड़ा का है 22nd अक्टूबर 1988। तो उस हिसाब से जो ड्राइवर नंबर है परिणीति का वो हो जाता है 4 और राघव का हो जाता है 2। 2, 4, 6 एक ही फैमिली के नंबर बोले जाते हैं, बट इनमें अगर 2 और 4 दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि 2 चंद्रमा है और 4 राहु है। जब राहु और चंद्रमा इकट्ठे आते हैं तो ये एक तरह से चंद्र ग्रहण का काम भी करते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो राहु आ जाता है चंद्र के पास, तो ऐसा ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन 2 और 4 पीपल कम टुगेदर। तो इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा थोड़ा सा, और इन लोगों का काम भी ऐसा है कि दे हैव टू बी सेपरेट फॉर सम टाइम। तो आई थिंक वो रेमेडी अपने आप ही उनके लिए काम कर जाएगी उनके प्रोफेशंस। और जहाँ तक कंपैटिबिलिटी की बात है, 2 और 4 रहते हैं तो 4 डोमिनेट करता है हमेशा, कोई भी रिलेशनशिप हो या कुछ भी रहे। परिणीति का स्वभाव जैसे जिस प्रकार से रहा है कि वो चुलबुली सी है, वो कहीं टिकती नहीं है, बहुत सारे इसमें देखे गए हैं उसके उतार चढ़ाव बॉलीवुड में। सो तो कैसा रहेगा उसका कैरियर 4 नंबर का, अगर बात करें तो क्या शादी उसकी टिकेगी या नहीं टिकेगी, क्या कहता है आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर होता है। जो राहु है उसकी बॉडी नहीं होती, सिर्फ हेड होता है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं देता, क्योंकि हमारा अगर हेड है तो वो एक जगह पे टिकेगा नहीं, उसको बेस नहीं मिलता है, तो इसलिए वो मूव करता रहता है वन प्लेस टू अनदर। ऐसे ही जिनका 4 नंबर रहता है, ड्राइवर या कंडक्टर में से कुछ भी, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी का इशू आता है। हमने देखा है परिणीति का करियर भी देखें तो बहुत स्टेबल नहीं रहा है। और 4 जो नंबर है वो आपको बहुत स्मार्ट ज़रूर बना देता है। जैसे आप देखेंगे कि परिणीति है वो बहुत ही वेल रेड है, स्मार्टली बात करती है, उसने काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली हुई है, तो ये सब चीज़ें राहु से आती हैं। प्लस जो राहु है वो आपकी आवाज़ में भी सुर ला देता है, जैसे वो गाती भी हैं बहुत, बट स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो करियर को लेके हो चाहे रिलेशनशिप्स को लेके हो। अगर उनको देखें तो उनके पास्ट में भी बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, तो ये जो है ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है मैं बोलूँगी, क्योंकि जब 4 नंबर रहता है तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल कर देता है, बिकॉज जो 4 नंबर वाले होते हैं वो किसी के एक तो डोमिनेंस नहीं ले सकते, प्लस वो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, तो अगर आप उनके साथ कुछ भी मैनिपुलेट करते हो तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी, परिणीति का अटैच होना राघव चड्ढा के साथ, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो भी राहु की वजह से ही है, बिकॉज राहु आपको धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ भी पुश करता है, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वो एक पॉलिटिशियन से मैरिड हैं, सो शी हैज़ अनदर ऑप्शन टू गेट इन टू पॉलिटिक्स। वो बाद में देखेंगे क्या करती हैं। 2 नंबर और 4 नंबर जैसे राघव चड्ढा का जो 2 नंबर है, तो कहीं ना कहीं उसको कैरियर में आगे बढ़ेगा इन 4 नंबर के ज्वाइंट होने से, कि उसके कैरियर में कुछ टकराव आएगा या कैरियर उसका ग्राफ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्या कहना है? अगर कैरियर की बात करते हैं तो जो 2 नंबर है जो राघव का है वो चंद्र का नंबर होता है, प्लस राहु जब आता है साथ में थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं। जैसे अभी से ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो स्कूटनी शुरू हो गई है, बिकॉज वो पहले बोलते थे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो जो उनकी शादी हुई है इतने लैविश वे से, वो इट्स अ कॉन्ट्रोवर्सी टू वॉट ही हैज सेड इन द पास्ट, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट करेगा। बट हाँ, 4 नंबर है वो बहुत बड़ी सपोर्ट होता है एक पॉलिटिशियन के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, तो उस हिसाब से वो सपोर्ट करेगा। परिणीति का लक फैक्टर बहुत ओपन अप हो जाएगा, बिकॉज राघव उनके लिए बहुत बड़ा लक फैक्टर लेके आने वाले हैं उनकी लाइफ में,
हाँ यही है। इसके पहले कोई प्रोडक्शन आपने किया था जो सही एकदम सही मैंने साबित इससे पहले प्रेडिक्शन किया है कटरीना कैफ के और उनके रिलेशनशिप के बारे में, वो भी मैंने यही बोला था कि बहुत साइलेंट रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके। प्लस अभी कायरा और सिद्ध की जब शादी हुई थी तब भी किया था, तो वो तो एकदम परफेक्ट कपल है, उनसे अच्छा मैच तो किसी का है ही नहीं। वो तो 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो वो ऐसी जोड़ी तो भगवान बना के भेजते हैं, कभी रेयर ही होती है। और उनका हम देख भी रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अभी तक तो, और आगे भी रहेगी। इनका भी अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शादी है ही अपने आप में इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, आप ये नहीं बोल सकते अब शादी हो गई तो ग्रांटेड ले लिया। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे के को एफर्ट और अपनी केयर प्यार दिखाना पड़ता है। अगर ऐसे करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप लंबे टाइम तक क्या हमेशा के लिए रहेगा, नहीं तो थोड़ी बहुत इश्यूज तो हर मैरिड लाइफ में आते हैं। बॉलीवुड का क्या है, बॉलीवुड कैसा अभी बीच में जैसे कोरोना 2 साल ऐसा रहा तो बड़ा ग्राफ नीचे गया था, अब क्या क्या कहता है आपका प्रेडिक्शन बॉलीवुड के बारे में? बॉलीवुड धीरे धीरे कुछ पिकअप फिल्में अच्छी भी कर रही हैं उसके वजह से। तो जैसे अभी हमने देखा रानी एंड रॉकी की प्रेम कहानी जो आई वो अच्छी चली, वो गगर 2 अच्छी अच्छी चली। चली, हाँ जवान अच्छी चली। अभी जैसे अब मैं बात करूँगी, हमारा जो ये 2023 नंबर है वो 7 का नंबर था, और 7 के जो करण जौहर हैं वो भी 7 नंबर हैं, तो उन्होंने वो मूवी प्रोड्यूस करी थी, उन्होंने मूवी बनाई, तो 7 ने 7 को सपोर्ट किया यहाँ पे, तो उनकी मूवी अच्छी चल गई। तो ऐसे ही है, डिपेंड करता है व्हाट नंबर्स यू आर चूजिंग फॉर योर मूवी। एंड अगर आप देखोगे उनके स्पेलिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं नाम के, तो ऐसे ही अगर जब हम न्यूमरोलॉजिकली ठीक से पिकअप करते हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रेजेंट नंबर, एक नंबर चलता है पूरा ईयर, इस साल 7 की पावर रही थी और अब आगे अगले साल 8 की पावर रहेगी। 8 होता है मनी मेकिंग नंबर है, थोड़ा सा मेहनत करवाता है। अगर 8 नंबर में लोग अच्छे से मेहनत करके अच्छी मूवी लेके आएंगे तो मनी मेक करेंगे ज़रूर। सो इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू आर टेकिंग आउट, एंड प्लस उसका न्यूमरोलॉजिकल सपोर्ट आप कैसे ले रहे हो, तो हर चीज़ अच्छी करती है। चलेगा, आखिरी सवाल चलते चलते, शादी वैवाहिक जीवन टिकने के लिए कोई टिप देना चाहे जो टिके शादी में, किसी की बहुत लोगों की गड़बड़ सड़बड़ चल रही है तो कुछ ऐसा टिप यही रहता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ को लाइफ में ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे ह्यूमन है हम तो बहुत लंबे टाइम तक जिएंगे, बट आज तक आज का ये भी नहीं पता होता कि नेक्स्ट आर में हम रहेंगे या चले जाएंगे, तो हमें एफर्ट करना पड़ता है अपनी हेल्थ को लेके, अपने हर चीज़ को लेके। ऐसे ही रिलेशनशिप भी हैं जो शादी हैं, उसमें भी कॉन्स्टेंट एफर्ट डालना पड़ता है। ग्रांटेड नहीं लेना कि अच्छा मैं ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है तो जो मर्जी कर लो, ऐसे नहीं होता ना। तो आप उनको हमेशा पैम्पर करते रहिए, उनको स्पेशल फील कराते रहिए। और अगर मैं बात करूँ तो अगर शादी टिकनी है तो आपका एक तो जो शुक्र है वीनस वो स्ट्रांग होना चाहिए, और प्लस आपका गुरु भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अगर कोई भी कपड़े, मैं नहीं बोलती कि ब्रांडेड कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो जो प्रॉपरली आयरन्ड हो, परफ्यूम लगाओ हमेशा, आप में से बैड स्मेल आती है तो वो आपका शुक्र खराब कर देती है। और अगर हम बात करें गुरु को अच्छा करने की, जब हम नहाते हैं तो हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर अगर हम पानी में डाल के नहाते हैं तो हमारा गुरु अच्छा होने लग जाता है। उससे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, और हमें लाइफ में एक्सपेंशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ अवर वर्क।